फातिमा का ये महर तय पाया, महर मुकर्रर भी हो गया। बाज रिवायात में ये मिलता है कि हजरत फातिमा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये निकाह किसकी जानिब से हो रहा है? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया कि तुम्हारा निकाह अली के साथ हो। तो हजरत फातिमा कहती है, तो फिर मेरा महर भी उसी शान के मुताबिक होना चाहिए, 400 मिसकाल चांदी। कहा, मेरा महर भी उस शान के मुताबिक रखें जो अल्लाह ताला निकाह कर रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फातिमा तुम क्या पसंद करती हो महर में, तुम क्या लेना चाहती हो महर में? हजरत फातिमा ने क्या कहा, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमान। कहती हैं, आका अगर अल्लाह निकाह कर रहा है तो रब ताला से ये लिखवा लें कि आपकी उम्मत की बख्शिश मेरे महर में रखी जाए। अल्लाहु अकबर, आपकी उम्मत की मगफिरत और बख्शिश मेरे महर में रखी जाए। ख्वाहिशें हों तो ऐसी हों, तमन्नाएं हों तो ऐसी हों। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई अजीज बनना चाहता तो सिर्फ उनकी उम्मत की बात करता। हुजूर